फिर एक घोषणा मैं और आज ही कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और मैं वैसे घोषणा नहीं करना चाह रहा था, वो मैं आपको सब लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा था, पूरे हिंदुस्तान पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सरप्राइज देना चाह रहा था। जय श्री श्याम। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे निशान यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है, और जब कोई भक्त निशान उठाता है तो उसकी पूरी विधि विधान से जो प्रक्रिया है, एक बार वो शेयर करिए। निशान का सबसे महत्व मैं आपको बताऊं, किसी का झंडा बुलंद करना। जब कोई व्यक्ति अपने घर से निशान लेके चलता है तो सब पूजन करने के बाद में निशान को कभी भी आप ज़मीन पे ना रखें। पूरी यात्रा में आपको निशान को अपने हाथ में पकड़ के रखना है, या कोई ऐसा स्थान हो जिस स्थान शुद्ध स्थान हो वहाँ आप थोड़ा निशान को रख सकते हैं अगर कभी आपको, या किसी अपने साथ वाले को निशान पकड़ा सकते हैं आप। और निशान का सबसे महत्व, निशान चढ़ाने से बाबा बहुत खुश होते हैं। निशान आप अपने घर से भी चढ़ा सकते हैं, और जो मेन स्थान होते हैं, देव स्थान होते हैं, वहाँ से भी निशान उठा सकते हैं आप। यहाँ मनोना धाम पर हम दो स्थान हमने बनाए हैं, एक अगर कोई पूरब साइड से अगर आता है तो वो वहाँ पर एक पुराना मंदिर करके है, मंदिर पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है, वो वहाँ से वो निशान उठा सकता है व्यक्ति। और अगर आप कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा से आता है तो पश्चिम दिशा और उत्तर और दक्षिण दिशा के लिए हमने ये दो दिशाएं चुनी हैं, चाहे तो वो पूरब से उठा सकता है चाहे वो पश्चिम से उठा सकता है, दो ही दिशाएं चुनी है हमने। तो वो बगरैन एक कस्बा पड़ता है, तो बगरैन से वो निशान उठा सकता है, 11 किलोमीटर के करीब पड़ता है, और इधर ये 7-8 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो जो आपको सुविधा लगे वहाँ से आप निशान अपना उठा सकते हैं। आज फागुन मास चल रहा है, और फागुन मास में बाबा की एक बहुत बड़ी पूजा अर्चना होती है, भक्तों का बहुत बड़ा श्रद्धा विश्वास है, एक मेला लगता है बाबा का पूरा हर धामों में, तो वो उसका कुछ महत्व विशेष? हाँ बिल्कुल, मेले का बहुत बड़ा अपना महत्व है, फागुन का पूरे महीने का ही पूरा महत्व है, लेकिन मनोहर धाम पर इस बार हम मेला नहीं लगवा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि पूरा जो हमारा माइंड इस तरफ सेट है, मंदिर बनवाने में पूरा दिमाग लगा हुआ है, और उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, क्योंकि मनोना धाम के बहुत बड़ी तादाद में भक्त हैं यहाँ पर। अगर आप मेला की हम घोषणा करते तो यहाँ आसपास के खेतों में लोगों के गेहूं की फसल है, तो हाँ तो फसलों का नुकसान होता है, हरी फसल को पलटना या हरी फसल को किसी भी तरीके से नष्ट करना ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है और गलत माना जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक अन्न है, और अन्न का अगर आप इस तरीके से वो करोगे तो गलत है, वो ईश्वर को भी मंजूर नहीं है। तो इस वजह से हमने इस बार मेला नहीं लगवाया, अगली बार में हम बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे मेला लगवाया करेंगे फागुन का, और इसीलिए हमने इस बार मेला की घोषणा करी है। वैसे भी आप देखते हो मनोना धाम पे तो वैसे मेला रहता है, हमेशा मेला रहता है, भक्तों का मेला, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और हाँ मेला ही रहता है, बाबा का मेला यहाँ 12 मास चलता है, कुछ जगह तो केवल फागुन में चलता होगा, लेकिन हमारे लिए तो पूरे 12 मास बाबा का मेला है। ये मनोना धाम ऐसा धाम है जिसमें कपाट बंद नहीं होते हैं, आपने दोनों बड़े मंदिरों के नाम सुने होंगे, वहाँ कपाट बंद हो जाते हैं, आपने सुना होगा कि इतने बजे से इतने बजे कपाट, हमने लिख जरूर रखा है कितने बजे से, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में भक्त आते हैं, हमारा मन नहीं करता है, हम कहते हैं बाबा जब आपको बुला रहे हैं तो बाबा ही डायरेक्ट आपको बुला रहे हैं, डायरेक्ट आप बाबा से मिलो, कपाट बंद होने की आप कोई भी इंतजार मत करो। काफ़ी लंबे समय से मनोना धाम के कपाट बंद नहीं हुए हैं, खुले ही रहते हैं, बस केवल नाइट में हम थोड़ा बंद करते हैं, सुबह खुल जाते हैं, पूरे जो दोपहर का बंद होना होता है या शाम को जो आरती के समय हम बंद नहीं करते हैं, लाइन को रोक देते हैं, लाइन को रोक के फिर सफाई कराते हैं, सिंगार कराते हैं, उसके बाद लाइन को हटा देते हैं, फिर चालू करा देते हैं, कपाट बंद नहीं करते हैं। तो ये बाबा की विशेष असीम कृपा है कि इस धाम पर कि कपाट बंद नहीं होते हैं, बाबा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। और रात को भी हम क्या करते हैं, रात को भी हम पर्दा नहीं डालते हैं, हम सब अलग तरीके से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हम किसी तरह रूढ़वादी नहीं है कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी को बाउंडेशन में नहीं बांधता है जी। हम जाली वाला गेट है, अगर रात में 12 बजे 1 बजे हमने देखा, अगर रात हम उठे थे थोड़ा सा, तो हमने 2 बजे इसमें CCTV कैमरे में देखा, तो पूरी एक गाड़ी आई थी और उसमें बहुत सारी महिलाएं बच्चे थे, और वो रात में 2 बजे बाबा के दर्शन कर रहे थे। अब कपाट सोचो बंद होते या पर्दा पड़ा हुआ था, बेचारे निराश होते, तो वो जाली वाले गेट पे आए, जाली वाले पे एक अखंड ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति जल रही थी, और उन लोगों ने दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद मत्था टेका बाबा के लिए, और खुश होकर उन चेहरे मुस्कान थी, और कपाट अगर बंद होते मुस्कान नहीं होती। एक बार आप कहीं भी दर्शन करने जाओ, कपाट बंद की बात आती, चेहरा आपको थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हम नहीं चाहते मनोना धाम पे कोई आए परेशान हो, उसके चेहरे मुस्कान ना रहे, और यही कारण है कोई बाबा हमारे लिए संकेत देते हैं, बाबा ही हमारे लिए सब कुछ बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, हम अपना माइंड कुछ भी नहीं लगाते हैं, अपना माइंड हमने सुन कर रखा है, यहाँ पर जो भी कार्य होता है बाबा के माइंड से होता है, बाबा ही कराने वाले हैं, बाबा ही कर रहे हैं, हम तो बस बाबा जिधर को कह देते हैं उधर को कर देते हैं, जो बात कह देते हैं वो बात बोल देते हैं, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है।
और यही कारण है हम रूढ़वादी बातों को भी नहीं मानते कि नहीं कपाट बंद होने चाहिए, बाबा को विश्राम की आवश्यकता है। अरे जो सर्वशक्तिमान उसे विश्राम की आवश्यकता, जब हम 21 घंटे जग सकते हैं तो बाबा नहीं जग सकते हैं क्या? है बाबा पूरे 25 घंटे जग रहे हैं, जब वहाँ का महंत 21 घंटे जग रहा है तो बाबा 25 घंटे जग रहे हैं, जब उनका बच्चा जग रहा है तो बाप कैसे सो सकता है? बाबा की ऐसी कृपा हम सब लोगों पे, जब बच्चा जगता है तो बाप को जगना पड़ता है। जी जी, तो जब उनका बच्चा जग रहा है तो बाप जग रहा है, इसलिए 24 घंटे आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के, असीम कृपा है। और यहाँ पर बाबा दोनों हाथों से लोगों के लिए सब कुछ कृपा बरसा, इतना कृपा बरसा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं, खजाना लुटा रहे हैं, लूट सको तो लूट सको। और जो लोग विरोधी भी हैं, धाम के सनातन विरोधी हैं या धाम के विरोधी हैं या पर्सनल मेरे विरोधी हैं, उनको भी बाबा खजाना लुटा रहे हैं, उनको भी खूब माला माल कर रहे हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों के लिए, मतलब यहाँ धाम पे नहीं आ रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, बाबा उनको भी लुटा रहे हैं, सब पे बाबा के पास, सब पे लुटा बाबा के लिए। और हम भी यही चाहते हैं, हर किसी पे कृपा लुटे, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान रहे, हर किसी के घर में खुशी आ रहे, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य है पूरा जीवन आपने इसी में, हमारा सिर्फ यही है। यहाँ धाम पे अगर कोई व्यक्ति निराश होता है तो हम निराश हो जाते हैं, कोई व्यक्ति खुश होता है तो हम खुश हो जाते हैं, उसकी खुशी में हमारी खुशी है, उसके दुख में हमारा दुख है। आज सुबह एक भक्त आए थे, 5-6 दिन से रुके हुए थे, आज वो जो जाने को तो बोले महाराज जी हमें आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं, हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत में आए थे यहाँ और इतने दिनों में हम यहाँ स्वस्थ होते जा रहे हैं, बिल्कुल तो हमें आ गया, तो हमने तुम्हें आ गया नहीं, तुम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाओ। बोले क्यों? हमने हम रोने लगे, हमें तुम जितना अटैचमेंट हो गया है, तुम जब जा रहे हो तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएंगे और जब आंसू आएंगे तो थोड़ा और भक्तों को लगेंगे महाराज जी रो रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से निकल जाओ। रियल बात है हम भक्तों से हमारा इतना अटैचमेंट हो चुका है, इतना अटैचमेंट हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इतना प्यार करते हैं हमारे लिए, तो ये सब बाबा की वजह से हो रहा है। बाबा ने इतना सब कुछ दे दिया इस जन्म में हमारे लिए कि हमारे 7 जन्म हमारे धन्य हो गए। हम तो ये सोचते हैं कि बाबा पता नहीं किस जन्म का कौन सा कैसा क्या है, कौन सी कनेक्टिविटी थी आपसे हमारी इतनी कि आपने इतनी असीम कृपा हम पे बरसा दी, इतनी असीम कृपा बरसा दी, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया मनोमन धाम, लाखों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं जी हाथ कर रख देंगे हमारा बच्चा ठीक हो जाए। और हम भी बाबा से जब दरवाजा बंद करके यही कहते हैं, बाबा जो शक्ति आपने हमें दी है ये शक्ति बरकरार रखना और ये शक्ति मैं निरंतर जब तक आखिरी सांस तक, क्योंकि मृत्यु सत्य है, मुझे भी जाना है एक दिन, उस दिन कुछ भी काम नहीं करेगा जी, बिल्कुल जिस दिन मेरी मृत्यु आएगी उस दिन सब कुछ, तो हम आखिरी सांस तक मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ। और कोई भक्त आ जाए कहना महाराज जी हमारे हाथ उठाते जाओ तुम आप, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने आखिरी सांसों में भी मैं यहाँ पर लोगों के लिए टच करके लोगों के लिए खुश करके जाऊँ, क्या उनकी जो भी चीज़ें हैं जो भी मुरादें वो पूरी करके जाऊँ, क्योंकि वो सब बाबा की इच्छा है, बाबा की कृपा से ही हो रहा है। और बाबा ये चाहते हैं कि मनोहर धाम पर आने वाले हर भक्त का बेड़ा पार हो, उनके घर में खुशियाँ हों और बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसी उमंग तरंग और उन्होंने कभी महसूस नहीं की हो जैसी मनोहर धाम से उनको मिले। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गुरु जी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, जैसे कि मैं देखता हूँ, मैं यहाँ लगातार रहता हूँ, बहुत सारे भक्त आते हैं, हम यहाँ सेवादार जो हैं वो कहते हैं भैया लाइन से आइए, लेकिन कुछ भक्त आते हैं कि मतलब आगे से आ जाते हैं और वो सेवादारों से बदतमीजी करते हैं, तो उनके लिए एक बार कुछ संदेश दो ऐसा जो कि वहाँ हमारी व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग करें। भक्तों के लिए संदेश देना क्या है, भक्त तो भगवान होते हैं, वो किस रूप में आ रहे हैं, कभी बच्चे के रूप में आ रहे हैं, कभी बड़े के रूप में आ रहे हैं, कभी लड़ाई के रूप में आ रहे हैं, किसी रूप में आ रहे हैं, हमारे लिए तो वो भगवान है ठीक, लेकिन हमसे यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो सेवादार हैं उनका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो किसी को भी, किसी भी 150 से ज़्यादा सेवादार हैं यहाँ पर, किसी भी सेवादार को हम कोई किसी तरीके का रुपया नहीं देते हैं, किसी को खाना नहीं देते हैं, किसी को कुछ नहीं देते हैं, और उसके बावजूद भी धाम की सेवा करें तो उन्हें बाबा से अटूट प्रेम है और आपकी सेवा में ही लगे हुए हैं वो, अगर वो ना हो तो यहाँ पर व्यवस्था कैसे होती है जी, आपको ही तो व्यवस्थित तरीके से आप दर्शन करा रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से हमसे मिलवा रहे हैं, तो उनका विशेष सम्मान करें, वो उनका सम्मान नहीं करोगे बाबा को बुरा लगेगा जी, क्योंकि बाबा की सेवा में तो लगे हुए हैं, धाम की सेवा में तो लगे हुए हैं, तो उनका सम्मान करें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। जो यूट्यूबर्स हैं भैया उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखें, वो वीडियो अगर आप तक नहीं पहुँचाते तो मनोहर धाम के बारे में कैसे कैसे जान पाते हैं, तुम लोगों का भी सम्मान करें, तुम लोगों के कमेंट में कुछ गलत ना लिखें, और यही है, और सच्चाई आप दिखा रहे हो, किसी तरीके से कोई मेहमान मंडल नहीं है, किसी तरीके से कोई वो नहीं है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, आपने किसी भी भक्त से पूछा कि आप YouTube पे देख के आए, तो जैसा YouTube पे आपने देखा वैसे ही मनोना धाम है क्या, तो हर किसी ने यही कहा होगा, उससे भी बढ़ती है। बिल्कुल ये सब तो हमने, मैं देखता हूँ आप लोगों को
तो उसमें भक्त ज्यादातर ये कहते हैं कि उससे भी बढ़कर मनोरंजन जैसा देखा था उससे भी बढ़कर यही कहता है। तो मुझे बड़ा खुशी मिलती है कि बाबा ने इस धाम को कितने प्यार से सजाया है, कितने प्यार से बनाते जा रहे हैं, कितने प्यार से लोगों के दिलों में बसाते जा रहे हैं। बाबा ही कर सकते हैं, कोई आम इंसान नहीं। ये बाबा की असीम कृपा, असीम प्यार है अपनी जन्मभूमि से, इस जन्मभूमि के लिए वो देश विदेश सब में फेमस करते जा रहे हैं। जय श्री श्याम। गुरु जी, आज मनोना धाम से, आपके प्यार से, आपके स्वभाव से, आपकी कृपा से करोड़ों भक्त जुड़ चुके हैं। बाबा की कृपा से करोड़ों भक्त जुड़ चुके हैं और वो इस धाम को, मनोना धाम को दिव्य रूप में बहुत जल्द देखना चाहते हैं। इसका निर्माण जो है कब तक पूर्ण करा रहे हैं? देखो, बाबा का निर्माण है, बाबा करा रहे हैं और बाबा अपने हिसाब से करा रहे हैं। बाबा ने जो घड़ी चुनी होगी उसी घड़ी में होगा। हम चाहे यहाँ पर 10 मिस्त्री लगा दें, लेकिन बाबा ने जो अपनी एक घड़ी चुनी होगी, मैं अपने इस रूप में वहाँ बैठूंगा जाके, तो वो बाबा ही बता सकते हैं। अपना प्रयास यही है कि जो 2023 चल रही है इसके दिसंबर तक बाबा को विराजमान कर दें। लेकिन बीच बीच में बाबा हमारे लिए और सारी प्रेरणा देते जाते हैं। जब हमने शिवलिंग की घोषणा कर दी है, शिवालय बनेगा, फिर एक घोषणा मैं और आज ही कर रहा हूँ आपके माध्यम से। और मैं वैसे घोषणा नहीं करना चाह रहा था, वो मैं आपको सब लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा था, पूरे हिंदुस्तान, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सरप्राइज देना चाह रहे थे सब। कोई भी इंसान सही, कैसा भी सही, वो व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। जी बिल्कुल। और मैं भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि बाबा की माँ का भी मंदिर यहाँ पर बने और बाबा की माँ का मंदिर भी मैं यहाँ पर निर्माण कराऊंगा और बाबा की माँ भी बाबा के मंदिर से बिल्कुल ठीक सामने रहेगी, एक दूसरे को देखेंगे। श्याम प्यारे की मेहंदी महाराज की, माँ का भी मंदिर का जो होगा निर्माण अवश्य। क्या बात, क्या बात है। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए महंत जी महाराज की जय। श्री श्याम। तो जैसे कि आप अभी सनातन शक्ति साम्राज्य के माध्यम से गुरुजी को सुन रहे थे और गुरुजी ने कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की आज आप देख ही रहे थे। और इसके बाद में एक जो कन्फ्यूजन बना हुआ है भक्तों का कि गुरुजी धाम पर हैं या नहीं हैं, मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सागर गुरुजी केवल 4 दिन के लिए गए थे और गुरुजी धाम छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, हमेशा धाम पर रहते हैं। तो जो भी भक्त बार बार कमेंट कर रहे थे, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, उनके लिए बताना चाहूँगा गुरुजी धाम पर हैं। आप निसंकोच आइए धाम पर और गुरुजी हमारे 10 बजे से 2 बजे तक आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी समस्याएं सुन रहे हैं और सप्ते के 7 दिन आपकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, आपकी समस्याओं को देख रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और गुरुजी की ऐसी कृपा है कि हाथ रखते ही भक्त का कल्याण हो जा रहा है, जो भी समस्याएँ हैं सॉल्व हो जा रहे हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।